देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में भी चुनावी घमासान तेज हो गया है, तो वहीं इसको लेकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस विधानसभा चुनावों में अपनी जीत के दावे किए हैं। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी से हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार रजत अग्रवाल ने कुछ खास बातचीत की, आइए दिखाते हैं। आखिरकार लंबे समय के बाद, इंतजार के बाद, आखिरकार कांग्रेस ने रानीपुर विधानसभा सीट से राजवीर चौहान पर भरोसा जताया। तो हमारे साथ मौजूद है राजवीर चौहान जी, क्या कुछ कहना है, भरोसा जताया है तो क्या लगता है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो जो पार्टी हाई कमान ने एक आम कार्यकर्ता पर ये इतने बड़ी जिम्मेदारी दी है रानीपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर, मैं पार्टी हाई कमान और प्रदेश नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही जो जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने मुझे सौंपी है, इस क्षेत्र की जनता के बेस पर मैं कह सकता हूं कि मैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करूंगा। काफ़ी लंबा समय लगा लिस्ट आने में, तो इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, इसमें ये कार्यकर्ता पार्टी थे, काफ़ी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित थे और उत्साहित हैं और आगे भी रहेंगे। ये पार्टी जब पारदर्शिता से कोई काम करती है तो उसमें कुछ समय लगता है। हमारे यहाँ पार्टी पूर्ण पारदर्शिता से टिकटों का वितरण करती है और किया है। तो क्या रणनीति रहेगी, दो बार के विधायक को क्या उनका किला भेद पाएंगे राजवीर चौहान? देखिए, दो बार के जो विधायक हैं उनसे जनता पूरी तरह त्रस्त आ चुकी है। वो जनता की भावनाओं पर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी खरे नहीं उतरते, ना तो डेवलपमेंट के मामले में। क्षेत्र का डेवलपमेंट क्या हुआ ये आप सबकी जानकारी में, आम जनता किस तरह से त्राही त्राही मचाए हुए हैं। दूसरा ये है इंडस्ट्रियल एरिया, रानीपुर विधानसभा इंडस्ट्रियल एरिया में जो रोजगार के साधन कांग्रेस पार्टी द्वारा सृजित किए गए थे, चाहे सिडकुल बनाकर चाहे BHL बनाकर, वो पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। सिडकुल भी कमजोर हो चुका है और लोगों के रोजगार उससे भी जा रहे हैं। BHL भी पूरी तरह से दावा कर रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह से दावा है इस जनता के बेस पर, और जो मेरी आम पब्लिक है, आम आदमी है, चाहे वो मजदूर है, किसान है, दुकानदार है, उद्योगपति है, रिक्शा वाला है, तांगे वाला है, रेड़े वाला है, किराएदार है, ड्राइवर है, किसी भी तरह का कोई भी इंसान हो, आम जन वो मेरे साथ है। और उन आम जन की भावनाओं को लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगा, और इसी भावनाओं को आगे लेकर बढ़ने से ये आज 26 भेल रानीपुर विधानसभा में कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस की जीत इस विधानसभा में होने के उपरांत प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, और प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो आम जन को राहत मिलेगी। जो भर्तियां पिछले काफ़ी समय से बंद हैं वो रिक्रूटमेंट होगा। 28,000 का आज बैकलॉग प्रदेश में है। जब वो रिक्रूटमेंट होगा, जो आरक्षण सरकार के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से बंद करने का काम किया है, जब भर्तियां होंगी तो हमारा आरक्षण भी लागू रहेगा, आरक्षण भी रहेगा और भर्तियां भी होंगी, रोजगार भी मिलेंगे लोगों को रोजगार मिलने के बाद राहत की सांस भी मिलेगी। तो ये थे राजवीर चौहान रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। इनका साफ तौर पर कहना है इस बार क्षेत्र की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।